Assalamualaikum, welcome back to my channel. आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन पॉपकॉर्न की रेसिपी। ये मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। ये मैंने चिकन लिया है, ये बोनलेस चिकन है, ये 400 ग्राम से। इसे मैंने अच्छे से वॉश करके ड्रेन कर लिया है और इसे मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट किया है। और ये मैंने एक चम्मच विनेगर लिया है, एक चम्मच काली मिर्च पाउडर, एक चम्मच से थोड़ा कम सोया सॉस, डेढ़ चम्मच रेड चिल्ली सॉस, आधा चम्मच मिर्ची पाउडर और आधा चम्मच मैंने नमक लिया है और दो चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। अभी हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाला, रेड चिल्ली सॉस आप आपके टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हो। सोया सॉस, विनेगर, काली मिर्च पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर और नमक मैंने डाल दिया है। अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करके अभी मैं इसे 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट करने रखूंगी। ये देखिए, अभी हम इसकी कोटिंग करेंगे। अभी मैंने ये 2 एग लिए हैं, 1 कप मैदे का आटा लिया है, आधा कप कॉर्नफ्लोर लिया है और ये मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं। अभी मैं 1 प्लेट में मैदा डाल रही हूँ, कॉर्नफ्लोर। कोटिंग के लिए मैदे और कॉर्नफ्लोर को मिक्स करेंगे। अभी मैं इसमें 1/2 टीस्पून नमक डाल रही हूँ और 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, जिससे हमारी कोटिंग फिक्की न लगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी मैंने ये 2 एग लिए हैं, उसमें भी मैं 1/2 टीस्पून नमक डालूंगी। अभी हम कोटिंग करेंगे। पहले हम एग में डिप करेंगे, उसके बाद मैदे और कॉर्नफ्लोर में डिप करेंगे। वापस एग में डिप करेंगे और ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। इसी तरह से हम सारे चिकन के पीस को कोट कर लेंगे। एक और मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, मैंने सारे चिकन के पीस को कोट कर लिया है। अभी हम इसे फ्राई करेंगे। हमें इसे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करना है। अगर आप इसे फ्रीज करना चाहते हो तो आप कोटिंग करके इसे फ्रीज भी कर सकते हो। फ्रीज करने के लिए आप इसे एक कंटेनर में अलग अलग पीस रख के इसे फ्रीज कर लीजिए और जब भी आपको खाना हो आप इसे फ्राई करके खा सकते हो। ये देखिए, गोल्डन कलर आ चुका है।
इसी तरह से हम सारे पीस को फ्राई कर लेंगे। अभी मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए, बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट। आप इसे सॉस के साथ, सेजवान चटनी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप इसे सर्व कर सकते हो, जो भी आपको पसंद हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।